नमस्कार, दिल्ली न्यूज की ट्रेवल सीरीज में आपका स्वागत है। सोलो ट्रेवलिंग आज के समय में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी बहुत ज्यादा भा रही है। पहले जहां महिलाओं के लिए अकेले घूमना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हुआ करता था, वहीं अब ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अकेले घूमने में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, आप जहाँ चाहे जब तक चाहे उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बशर्ते वो जगह सुरक्षा के लिहाज से बेहतर होनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा के डर से ये सोलो ट्रिप सिर्फ लड़कों तक ही सीमित रह जाती है। यही वजह है कि देश की कई जगहों को महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहतर बनाया गया है, ताकि महिलाएं बेफिक्र होकर घूम सके। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की उन जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ महिलाएं बेफिक्र बेखौफ होकर ट्रेवल को एक्सप्लोर कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुन्नार, केरल के इडुक्की जिले में बसा प्रकृति के बेहद करीब मुन्नार आकर ऐसा लगता है जैसे आप फिल्म के किसी लोकेशन पर पहुंच गए हों। 12,000 हेक्टेयर में फैले चाय के बगान यहाँ की खूबसूरती को दो गुना करते हैं। वैसे तो आपको यहाँ हनीमून कपल्स की भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अकेले आने के लिए भी ये बहुत ही सुरक्षित और बेहतरीन डेस्टिनेशन में से एक है। हम्पी, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हम्पी को देखने देश विदेश से टूरिस्ट की भीड़ उमड़ती है। तो अगर आप अकेले घूमने फिरने का प्लान कर रही हैं, तो हम्पी बहुत ही बेहतरीन जगह है। ऐसा माना जाता है कि हम्पी कभी रोम से भी ज्यादा संपन्न था, और यहाँ आकर आप इस चीज को बखूबी देख भी पाएंगी। घाटियों से लेकर टीलों के बीच यहाँ 500 से भी ज्यादा स्मारक चिन्ह देखने को मिलेंगे, जिनमें शाही मंडप, चबूतरे, राजकोष, तहखाने और भी कई दूसरी इमारतें शामिल हैं। शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर शिलोंग बहुत ही खूबसूरत और महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर है, जहां आप अकेले बिल्कुल फ्री होकर घूमने फिरने का मजा ले सकती हैं। मेघालय की इस राजधानी को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं जगह जगह पहाड़ों से गिरते झंडे, आसमान को छूने की कोशिश करते हरे भरे पहाड़ और दूर दूर तक बिछे घास के मैदान। अगर आप अकेले पूरे शहर को एक्सप्लोर करने निकली हैं, तो होटल की जगह होम स्टे का एक्सपीरियंस लीजिए। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं, जो ट्रेवल को यादगार बनाने का काम करते हैं। वैसे ब्रिटिश काल और स्टाइल पे बने हुए कॉटेज का भी ऑप्शन है आपके पास। शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी आपको रिफ्रेश करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उदयपुर, बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है उदयपुर, जहाँ घूमने के लिए आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं। शहर को घूमने के लिए 2 से 3 दिन का समय काफी होगा। लोगों का फ्रेंडली नेचर सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके साथ ही यहाँ का खान पान भी काफी उम्दा है। गोवा, अगर आपको ऐसा लगता है कि गोवा में मस्ती सिर्फ दोस्तों यारों के साथ ही पॉसिबल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे अकेले भी बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। बीचों की तो यहाँ कोई कमी नहीं है, जहाँ मौज मस्ती करते हुए कब सुबह से शाम हो जाती है इसका पता नहीं चलता। तो ट्रैवल से जुड़े इसी तरह के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।